Welcome back, children, to your social studies class. This is your learning buddy, Aparajita, and let's start the book, Jelly Bean, Journeys in Social Studies, Class 8 by Brain Root Series. And today, we'll do chapter number 7, that is, Major Industries. अभी हमने प्रीवियस चैप्टर कौन सा पढ़ा था? इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में. सम एंड सब्सटेंस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की लोकेशन को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. रिट्रीव, we have to find out what unscramble the industrial vocabulary. Very interesting one. Bahut interesting hai ye unscramble karna. Aur isme kya hai, words jo nikal ke aayenge wo kaun se honge? Industry se related honge, industrial vocabulary. Isliye ye ise kehte hain industrial vocabulary. तो अभी हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं. जब हमने इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ा तो उसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स पढ़े थे. सो लेट्स सी हाउ कैन वी अनस्क्रैम्बल दिस. सी ए एम एच एन आई ई, सो इट विल बिकम एम ए सी एच आई एन ई, मशीन. फाइन. नेक्स्ट इज टी ए एम ई आर आई एल ए, इट बिकम्स मटीरियल. Material. Okay. UDINSRTY. It will become industry. 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 TCAFORY. कुछ वर्ड समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? Yes. Factory. 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 MOCPNAY, COMPANY, company. Isn't it interesting? DOOGS, goods. GOODS, goods. RAMKET, कुछ कोई वर्ड आप याद कर पा रहे हैं? इसको देख के कुछ सिमिलर सा वर्ड लग रहा है आपको, याद आ रहा है कुछ? यस, आई एम एबल टू रिकलेक्ट इट. एम ए आर के ई टी, मार्केट. एस एन सी ओ यू एम ई आर, दिस बिकम्स कंज्यूमर. सी ओ एन एस यू एम ई आर, कंज्यूमर. डी ओ आर पी यू सी टी, product. P R O D U C T. And finally B A L O U R, start with L, L A B O U R, so it becomes labor. Fine. Aaya na maza? Ab hum chalte hain aage. Let us now look at some of the major industries involved in the production of a variety of goods required by man. अब कौन कौन सी major industries हैं जो कि involved हैं किसके production में? Production of variety of goods जो कि हमें ज़रूरत होती है, required by a man. These industries can be broadly divided into two categories, और इन industries को दो categories में divide किया जा सकता है. Heavy industries including iron and steel, metallurgic, heavy machinery, heavy chemicals, transport equipment and fertilizer industries. And the second one is light industries including textiles, sugar, food processing, electrical and electronic goods and various consumer goods industries. Fine. Now, factors influencing location of manufacturing industries. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लोकेशन को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? द फर्स्ट वन इज कैपिटल. कैपिटल रेफर्स टू द मनी नीडेड एज इन्वेस्टमेंट फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी और सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए या किसी कंपनी को खोलने के लिए क्या ज़रूरत होती है? एक
मनी की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, जो कि इन्वेस्ट करना होता है किसी भी कंपनी को या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करने के लिए. ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप एन एंटायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. बहुत सारा पैसा चाहिए होता है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए. कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, प्लांट्स एंड मशीनरी, टूल्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, परचेजिंग रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए. देन द रॉ मटेरियल्स, फर्स्ट तो कैपिटल हो गया, अब आया रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स आर द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. रॉ मटेरियल्स मे बी एग्रो बेस्ड सच एज कॉटन, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, और मिनरल बेस्ड सच एज आयरन ओर, कॉपर एंड मैंगनीज. अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका सबसे मेन चीज़ क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की. प्रोडक्ट बनाएंगे किससे, अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो बनेगा क्या. सो रॉ मटेरियल इज वेरी एसेंशियल टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू द प्लेसेस वेयर रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल. अब कॉस्ट को रिड्यूस, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, अगर कहीं दूर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बनाया जाएगा तो क्या होगा, वहाँ से रॉ मटेरियल लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होगा उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऐसी जगहों पे होती हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होते हैं. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द छोटा नागपुर रीजन वेयर आयरन ओर इज इजीली अवेलेबल. और इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं ज़्यादातर कहाँ हैं, छोटा नागपुर रीजन में है जहाँ की आयरन ओर बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, क्योंकि आयरन ओर इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है. आयरन आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल. नेक्स्ट कम्स द पावर रिसोर्सेज. मैन्युफैक्चरर्स नीड कंटिन्यूअस एंड अफोर्डेबल पावर सप्लाई. अब जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस, उसको पूरा 24/7 उसको क्या चाहिए होता है, पावर की ज़रूरत होती है, पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, और ऐसी जो कि अफोर्ड भी कर सके वो. कोल, मिनरल ऑयल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज पावर रिसोर्सेज. लोकेशंस दैट हैव कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर आर वेल सूटेड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज. जहाँ पे रेगुलर सप्लाई होती है पावर की और कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी होती है पावर की, वहाँ पे ये इस्टैब्लिश किए जाते हैं इंडस्ट्रीज. द रूर कोल फैक्ट्री, द रूर कोल फील्ड इन जर्मनी इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द लोकलाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द रूर सार बेसिन इन जर्मनी. इंटरप्रिटेशन, द टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज आर. अब टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज कौन से हैं, चाइना, द USA, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, इंडिया, फ्रांस, Italy, UK and Taiwan. Now let's move further. Labor. Next comes the labor. Industries need a large labor force. Therefore, cheap unskilled labor as well as skilled labor should be available. अब industries में क्या होता है, बहुत सारा labor चाहिए होता है, इसलिए unskilled labors भी use होते हैं, use किया जाता है unskilled labors का भी, as well as स्किल लेबर्स भी अवेलेबल होते हैं. स्किल लेबर इन एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत होती है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल टू कैरी रॉ मटेरियल्स टू द फैक्ट्रीज एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू द मार्केट्स. अब अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क इतना अच्छा होना चाहिए कि वो कैरी कर सके रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक, और फैक्ट्रीज से जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट तक ले जा सके. मैनी इंडस्ट्रीज हैव देयरफॉर कम अप नियर रोड एंड रेलवे जंक्शंस एंड सी पोर्ट्स. ज़्यादातर इंडस्ट्रीज रोड या रेलवे जंक्शंस के पास हैं या सी पोर्ट्स के पास हैं. सी ट्रक, दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक, गुड्स ट्रेन, एरोप्लेन, शिप. ओके, दीज आर सम कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट.
Next comes the water supply. Industries require water for cooling, washing and other procedures. In sab procedures ke liye industries ko water ki zarurat hoti hai. Hence many industries are located near rivers and lakes. Land. Large land areas are required to set up industries. Plain lands are the preferred location for most industries. Zyada industries kahan prefer karti hain? Plain lands pe establish kar. Easy access to markets. Markets ke paas easily accessible hone chahiye markets. Once the goods are ready for sale, it is necessary to have easy access to a ready market. Proximity to the market plays an important role in determining the location of a manufacturing unit. वो कितना मार्केट के पास है, क्योंकि गुड्स जो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जब बन जाते हैं तो वो ईजिली मार्केट तक पहुंच सके. इसके लिए ज़्यादातर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ होते हैं जहाँ पे आसपास मार्केट होती है. अ मार्केट प्लेस विद रेडी डिमांड फॉर द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज नेसेसरी फॉर बोथ द कंज्यूमर एंड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. कॉटन टेक्सटाइल्स हैव गुड डिमांड इन हॉट रीजन्स. कॉटन टेक्सटाइल्स की डिमांड कहाँ है? गर्म इलाकों में. That is why it is profitable to set up cotton textile industries in such regions as the demand of such goods will always be high. जहाँ पे demand, goods की demand बहुत ऊँची रहती है, बहुत high रहती है, वहाँ पे setup होना चाहिए. A cloth market, this is a cloth market, okay? Now major manufacturing industries. कौन कौन सी हैं मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन, स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट्स सच एज शीट्स, बार्स, बिलेट्स, रॉड्स एंड केबल्स. इट्स यूज इन मोस्ट अदर इंडस्ट्रीज आइदर एज अ रॉ मटीरियल और इन मशीनरी इज वॉट मेक्स दिस इंडस्ट्री द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज. ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई करती है. जो भी इसका प्रोडक्ट होता है वो दूसरी इंडस्ट्रीज में भी काम आता है. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज इंडस्ट्रियल स्टेटस. टू मेक स्टील द मेन रॉ मटीरियल्स आर आयरन ओर, लाइमस्टोन, कुकिंग कोल एंड मैगनीज. इनसे बनता है स्टील. एज दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड बिकॉज दे आर बल्की, द आयरन एंड स्टील मिल्स आर प्रेफरेबली लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ द रॉ मटीरियल्स. ओके, वही बात की रॉ मटीरियल्स अवेलेबल है उसके पास इंडस्ट्री सेटअप करना. दिस इंडस्ट्री ऑल्सो रिक्वायर्स अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को एक गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत होती है. चाइना, जापान, रशिया एंड द यूएसए, यूक्रेन, जर्मनी एंड द यूके लीड द वर्ल्ड प्रोडक्शन. फ्रांस, सदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर आल्सो मेजर प्रोड्यूसर्स. ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, इटली, कैनेडा, पोलैंड एंड बेल्जियम आर स्मॉल प्रोड्यूसर्स. ये सब छोटे प्रोड्यूसर्स हैं. India's iron and steel industry is primarily located in the Chota Nagpur Plateau where all the raw materials are available. Abhi padha humne ki Chota Nagpur Plateau mein India mein iron and steel industry primarily located hai kyunki wahan pe raw materials easily available hain. The main centers are, ab centers kaun kaun se hain? Rourkela, Bhilai, Asansol, Durgapur, Bokaro and Jamshedpur. Other centers are Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka and Salem in Tamil Nadu. Sales in Rourkela. Okay? The interpretation: pig iron is made using iron ore, limestone and cooking coal in a blast furnace. Blast furnace mein iron ore, limestone aur cooking coal ko mila ke kya banta hai? Pig iron. This is mixed with manganese to make steel in a converter. और एक converter में डाल के इसको किसके साथ mix किया जाता है? Manganese के साथ mix किया जाता है जिससे कि steel में बदल जाता है. The various steel products are then made in the rolling mills. Textile industries. The textile industry is one of the oldest industry
इन द वर्ल्ड. सबसे पुरानी इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड में वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंक्लूड्स टेक्सटाइल्स मेड फ्रॉम थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स. अब इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो टेक्सटाइल है वो कितने तरह के फाइबर्स से बनती है? तीन तरह के. नेचुरल वेजिटेबल फाइबर्स, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प. नेचुरल एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. एंड थर्ड टाइप क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स. नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक एंड रेयॉन टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड नॉट जस्ट फॉर क्लोदिंग बट फॉर फर्निशिंग, packaging and other industrial uses. Before the industrial revolution in Europe in the 18th century, textiles were produced using handlooms. Ab 18th century mein jab industrial revolution Europe ka hua tha usse pehle ki baat hai, jo textiles the wo produce kisse kiye jate the? Handlooms se. India was one of the largest producer and exporters of textiles. However, after the Industrial Revolution, machines like power looms began to be used to manufacture textiles all over the world. और लेकिन Industrial Revolution के बाद क्या हुआ? Handlooms की जगह power looms आ गए और all over the world ये use किया जाने लगा for manufacturing textiles. Cotton textile industry is one of the most important and widespread industries. It needs large quantity of bulky raw cotton. Skilled and semi-skilled labor employ a large number of people in India. It is also an important industry in the USA, Russia, Japan and England. In India, this industry can be divided into several sectors. Ab India mein is industry ko alag alag sectors mein divide kiya gaya hai. Such as cotton textiles, silk textiles, woolen textiles, ready-made garments, handloom textiles, jute and coir. Textile industry is well developed in the USA, UK, France, India, Japan and Germany. Silk textiles are important. Ab kahan kahan important hai silk textiles? India, China, Japan and Korea. India and Bangladesh. India and Bangladesh lead in the production of jute textiles. Australia, New Zealand and South Africa lead in kaun se textile? Woolen textiles. The first India cotton mill was established in 1854 in Bombay and India has the highest loom capacity including the hand looms with 63% of the world's market share. Now see Bombay Spinning and Weaving Company. Interpretation: Textile making includes five processes. Textile making में पांच processes use होते हैं. Ginning of the fiber, carding or combining, spinning of the yarn, weaving of the cloth, dyeing and printing the fabric. Electronics industry. The electronics industry has become a global industry worth billion of dollars. The first digital computers were built in the 1940s and in the 1990s, personal computers became popular. अब पहला डिजिटल कंप्यूटर कब बिल्ड किया गया था? 1940s में. और 1990s में क्या हुआ? पर्सनल कंप्यूटर्स बहुत पॉपुलर हो गए. टुडे अ लार्ज पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व्ड इन डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस. They design, develop, install, test, manufacture and repair electrical and electronic equipment such as medical monitoring devices. ये सब बनते हैं, ये सब equipments बनाए जाते हैं. Communication equipment, navigational equipments and computers. See, electronics industry. Consumer electronics intended for everyday use are generally used for entertainment, communication and office productivity. The broadcast receiver was the first major consumer product used for radio broadcasting. Sabse pehla consumer product for broadcast receiver tha, kya tha wo? Radio broadcasting. Later products include
MP3 players, personal computers, बाकी बाद में और प्रोडक्ट्स आए, MP3 players, personal computers, telephones, audio equipment, televisions, calculators, GPS, automotive, electronics, digital cameras and players and recorders using video media such as DVDs and VCRs. Fine. Countries leading in the manufacture of electronic goods are, जो कंट्रीज लीड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चर में वो कौन सी हैं? USA, जापान, चाइना, हांगकांग, कोरिया एंड ताइवान. नाउ चिल्ड्रन, द AI फैक्ट्स. AI ड्रिवन सॉल्यूशंस आर ट्रांसफॉर्मिंग द मार्केट इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग चेन एफिशिएंसी. बाय अडॉप्टिंग दीज इनोवेशंस मैन्युफैक्चरर्स कैन रीच हाई प्रोडक्शन लेवल्स, एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस. फाइन. Now children, let's read the catalog. Nuclear power, the use of the nuclear reactions to produce electricity, that is known as the nuclear power. A junction, a place at which two or more railroads converge or diverge. Jab milti hain aur alag hoti hain. That is a junction. Proximity, nearness or closeness. Technician, a person whose work involves practical skills, especially in industry or science. Now, a look over to this chapter. हमने अभी तक क्या पढ़ा इस chapter में? Cotton textile industry is the oldest and most widely used industry in the world. Iron and steel industry is a basic industry as other industries depend on it. Manufacturers need continuous and affordable power supply. The growth of the textile industry began during the Industrial Revolution in the 18th century. The broadcast receiver was the first major electronic consumer product used for radio broadcasting. Fine children, understood? So children, now let's do some exercises under this estimation column. Choose the correct option. The first Indian cotton mill was established in Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Chennai. It was established in Mumbai. The dash industry involves the manufacture of pig iron, steel and steel products such as sheets, bars, billets, rods. Transport, cotton, cement, iron and steel. It's the iron and steel. Dash is an important producer of electronic goods. कौन है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर? फ्रांस, USA, ऑस्ट्रेलिया, इटली. इट्स USA. बांग्लादेश लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, वुलन टेक्सटाइल्स. इट्स द जूट टेक्सटाइल्स. डैश इज नीडेड एज इन्वेस्टमेंट फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी. लेबर, रॉ मटीरियल, कैपिटल, ऑल ऑफ दीज. All of these things, labor, raw material and capital, are required as an investment for starting a company. So tick all of these. Okay children, now let's move further. We come to the fill in the blanks. The first Indian cotton mill was established in, it was established in Mumbai. Okay, next is, India's iron and steel industry is primarily located in the Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau. Okay. Dash was the largest producer and exporter of textiles. India was the largest producer and exporter of textiles. Dash employ a large number of people in India. Cotton and textile industry. Cotton and textile industry employ a large number of people in India. The dash industry has become a global industry worth billions of dollars. The textile industry. Okay children. डैश नीड अ लार्ज लेबर फोर्स. लार्ज बड़ी लेबर फोर्स जो है वो किस में ज़रूरत होती है? इन मैन्युफैक्चरिंग. सो मैन्युफैक्चरिंग नीड अ
large labor force, manufacturing. Okay, and last is dash are the preferred locations for most of the industries. Urban areas. Now comes the true and false. State whether the following statements are true or false. Textiles are manufactured just for clothing. False. It's not just for clothing, it's used in other things also. Nylon is a synthetic fiber. True. Famous steel centers are in Canada, Pittsburgh, and Detroit. Yes, true. A good transport network is essential to carry raw materials. Yes, this is also true. Raw materials are totally agro-based. No, false. Many industries are not located near rivers. True. The first digital computers were built in the 1940s. Yes, this is also true, children. So write down T here. So we end up with the chapter, and thanks for watching the video. We'll meet soon with something new, something more interesting. Till then, bye and have a good time.